गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू चैप्टर लेसन नंबर 18 आर होम अर्थ, हमारा घर पृथ्वी. ओके, इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अर्थ, लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ, वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ एंड हाउ टू सेव द अर्थ. तो हमें अर्थ को कैसे बचाना है. ओके, फर्स्ट डू रिमेंबर, कंप्लीट द डॉट्स एंड राइट द नेम ऑन द पिक्चर. आपको ये डॉट्स पूरा इनको कंप्लीट करना है, ट्रेस करना है, फिर लिखना है कि क्या बनता है इससे. तो जब हम ये करेंगे तो उसके बाद बनेगा पूरा अर्थ. ओके, नेक्स्ट मूव टू आर लेसन. आर फर्स्ट टॉपिक अर्थ. वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ. इट इज राउंड ऑन स्फेरिकल इन शेप लाइक अ बॉल. हम कहाँ पे रहते हैं? हम प्लैनेट अर्थ है, जो अर्थ है उसके ऊपर हम रहते हैं और इसका जो शेप है वो स्फेरिकल होता है, बॉल के जैसा. इट मूव्स अराउंड द सन. अर्थ है वो सन के आसपास वो मूव करता है. अर्थ गेट्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन. अर्थ है, अर्थ को हीट एंड लाइट कहाँ से मिलता है? अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम लाइट एंड हीट फ्रॉम सन. सन से लाइट और हीट मिलती है उसको. अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर. दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमोस्फियर. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. और जो अर्थ है हमारी वो पूरी एयर से सराउंडेड है. उसके आसपास का जो ब्लैंकेट, मतलब कि जो जिससे वो ढका हुआ होता है वो, तो जो जिससे भी हमारी अर्थ पूरी ढकी हुई है उसे बोलते हैं एटमोस्फियर. और जो ये एटमोस्फियर है वो हमें सन की जो हार्मफुल रेज है, जो हमें नुकसान करते हैं, ऐसी जो किरणें हैं उससे हमें वो बचाता है. ओके, नेक्स्ट. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर. और अर्थ का जो सरफेस है वो लैंड और वाटर से वो कवर्ड है. अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब. अर्थ का जो मॉडल, हम जैसे कि हमने स्कूल में देखा होगा कि जो मॉडल होता है अर्थ का उससे हम बोलते हैं ग्लोब. द ब्लू पार्ट इज वाटर एंड द रेस्ट इज लैंड. और जो ग्लोब में हमें जो ब्लू पार्ट दिखता है वो पूरा है वाटर और जो बाकी का जो पार्ट है वो है लैंड. ओके, नेक्स्ट. टाइम टू आंसर. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, अर्थ इज स्क्वायर इन शेप. अर्थ है वो शेप में स्क्वायर है, तो वो फॉल्स स्टेटमेंट है, एफ लिखना है वहाँ पे. सेकेंड, अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर. अर्थ है वो एयर से सराउंडेड है, ट्रू. थर्ड, अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द मून. अर्थ को हीट एंड लाइट मून से मिलते, दैट इज ऑल्सो फॉल्स, वहाँ पे एफ लिखना है आपको. फोर्थ, द सन मूव्स अराउंड द अर्थ. सन है वो अर्थ के आसपास मूव करता है, दैट इज ऑल्सो फॉल्स, एफ. ओके, आर नेक्स्ट टॉपिक, लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ. वन फोर्थ ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड. जो भी अर्थ का जो भी वन फोर्थ, मतलब जो चौथा भाग है वो ही लैंड है. द अर्थ सरफेस इज नॉट सेम एवरीवे. अर्थ का जो भी सरफेस है वो हर एक जगह पे एक जैसा नहीं होता है. एट सम प्लेसेस द लैंड इज फ्लैट एंड द अदर प्लेसेस इट इज हाई. कहीं पर वो फ्लैट होती है तो कहीं पर बहुत ही ऊंचाई पे होती है. दिस डिफरेंट नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स. और जो ये जो भी नेचुरल फीचर्स है, मतलब कहीं पे फ्लैट होती है, कहीं पे हाई होती है, तो ये जो भी नेचुरल फीचर्स है अर्थ के उसे बोलते हैं लैंड फॉर्म. एंड सम ऑफ देम आर, फर्स्ट, हिल्स. लैंड फॉर्म्स कौन कौन से? द हिल्स. इट इज़ अ लैंड एरिया दैट इज हायर देन द लैंड अराउंड. हिल्स किसे बोलते हैं? जो लैंड होती है, जमीन होती है, उससे थोड़ा ऊपर जो होता है उसे बोलते हैं हिल्स. द वेदर इज वेरी कोल्ड एंड विंडी देयर. और जो हिल्स होते हैं वहाँ पे जो वेदर होता है वो बहुत ही ठंडा होता है और वहाँ पे बहुत ही पवन चलता है. फॉर एग्जाम्पल, मसूरी, नैनीताल एंड शिमला. जैसे कि मसूरी है, नैनीताल है और शिमला, ये हिल्स है. हम बोलते हैं कि भाई हम हिल स्टेशन पे घूमने जाने वाले, तो कौन कौन से हिल स्टेशन है? मसूरी है, नैनीताल है, शिमला है, वो सारे हिल स्टेशन है. माउंटेन्स, दे आर वेरी टॉल हिल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब हिल्स तो हमने देखा कि हिल्स है भाई, मसूरी है, नैनीताल, वो हिल्स है, लेकिन वो क्या, वो बहुत ही ऊंचाई पे नहीं होते. जबकि माउंटेन्स, माउंटेन्स का क्या है कि वो बहुत ही ऊंचे हिल्स होते हैं, उसे बोलते हैं हम माउंटेन. दे आर मेड ऑफ सॉइल, रॉक्स, पेबल्स एंड बिग स्टोन. और माउंटेन किससे बनते हैं? सॉइल से बने हुए होते हैं. रॉक्स, पत्थर, पेबल्स, कंकर और बड़े बड़े जो स्टोन्स होते हैं उससे माउंटेन्स बनते हैं.
मैनी हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो, और जो माउंटेन्स बहुत ही ऊंचाई पे होते हैं वो स्नो से कवर्ड होते हैं, दे आर कॉल्ड स्नो कैप्ड माउंटेन्स, और उससे बोलते हैं स्नो कैप्ड माउंटेन्स। मोस्ट रिवर्स फ्लो डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, और बहुत सारे रिवर्स जो ऐसे होते हैं वो माउंटेन से होके निकलती है। द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक, और जो माउंटेन का सबसे ऊंचा जो पॉइंट होता है उसे बोलते हैं पीक बोलते हैं। डू यू नो द हिमालयाज आर द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, हिमालय है वो सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज है पूरी दुनिया में। ओके नेक्स्ट वेलीज, दीज आर लोलैंड्स दैट लाई बिटवीन माउंटेन्स और हिल्स, वेलीज किसे बोलते हैं जो माउंटेन और हिल्स के बीच में होता है नीचे बहुत ही गहराई में, दे आर यू और वी शेप्ड, वो या तो फिर यू शेप के होते या तो फिर वी शेप के होते। वैलीज दैट हैव स्ट्रीम्स और रिवर्स फ्लोइंग थ्रू देम आर कॉल्ड रिवर वैलीज, और ऐसी वैलीज जहाँ से स्ट्रीम्स निकलती है या तो रिवर्स निकलती है उसे रिवर वैलीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्लेटोस, एन एरिया ऑफ हाई लेवल लैंड इज कॉल्ड प्लेटो, ऐसा एरिया जो बहुत ही ऊंचाई पे होता है इसे हम प्लेटोस बोलते हैं, मतलब कि मैदान जो होता है वो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड, इसे टेबल लैंड भी बोलते हैं। क्यों? एज इट लुक्स लाइक अ टेबल टॉप, क्यों? क्योंकि वो टेबल की जैसे, टेबल जैसे ऊपर से सपाट होता है वैसे ही वो होता है जो प्लेटोस होता है, तो उसे हम टेबल लैंड भी बोलते हैं। इट इज फ्लैट एट द टॉप, ऊपर से वो एकदम सीधा होता है। प्लेन्स, दीज आर लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड्स, प्लेन्स किसे बोलते हैं कि जो फ्लैट लैंड्स होते हैं उसका बहुत ही बड़ा एरिया होता है। दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर लिविंग एंड फार्मिंग, और जो प्लेन्स जो जहाँ पे हम रहते हैं उसे हम बोलते हैं प्लेन्स, क्यों? क्योंकि वो लिविंग और फार्मिंग रहने और फार्मिंग करने के लिए बहुत ही सुटेबल होता है। द सॉइल ऑफ द प्लेन्स इज रिच फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, और जो प्लेन्स की जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो फार्मिंग के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। डेजर्ट्स मतलब कि रेगिस्तान, दीज आर ड्राई लैंड्स कवर्ड विथ सैंड, डेजर्ट्स क्या है वो पूरी सैंड से कवर किया हुआ ड्राई लैंड है, मतलब कि सूखी जमीन है। दे आर हॉट ड्राई एंड गेट वेरी लेस रेनफॉल, डेजर्ट्स में क्या होता है कि वो बहुत ही गर्म होती है, बहुत ही ड्राई होती है और वहाँ पे बारिश भी बहुत ही कम होती है। देयर इज वेरी लिटल वाटर इन दिस प्लेस, वहाँ पे पानी भी बहुत कम होता है। कैक्टस डेट एंड पाम ट्रीज ग्रो इन द डेजर्ट्स, अ कैमल इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट, और यहाँ पे जो डेजर्ट्स होते हैं जहाँ पे पानी बहुत ही कम होता है वहाँ पे कौन से ट्रीज होते हैं, तो पाम ट्री है, कैक्टस है और डेट मतलब कि जो खजूर का ट्री होता है वो। और वहाँ पे जो डेजर्ट का जो व्हीकल होता है मतलब कि कैमल, उसे हम शीप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं। ओके नेक्स्ट आईलैंड, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स इज कॉल्ड एन आइलैंड, एक बीच में थोड़ी छोटी सी जमीन होती है उसके चारों तरफ हमें पानी ही पानी दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं आइलैंड। फॉर एग्जाम्पल द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड है वो, वहाँ पे क्या है कि बीच में थोड़ी लैंड होती है, जमीन होती है और चारों तरफ उसके पानी होता है तो उसे हम आइलैंड बोलते हैं। टाइम टू आंसर, नेम देम, फर्स्ट वेरी हॉट ड्राई लैंड्स, ऐसा क्या है कि जो बहुत ही गर्म होता है और सूखा होता है वो है डेजर्ट्स, आंसर इज डेजर्ट्स। सेकेंड लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड्स, बहुत ही जो सपाट जो लैंड होती है फ्लैट होती है उसका बहुत ही बड़ा जो लार्ज एरिया होता है वो है प्लेन्स, PLAINS। थर्ड स्मॉल माउंटेन, छोटा सा माउंटेन उसे बोलते हैं पीक। एंड फोर्थ डिफरेंट फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लैंड फॉर्म, LANDFORMS। ओके नेक्स्ट, वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, थ्री फोर्थ ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, इट इज फाउंड इन मैनी फॉर्म्स। अब जैसे कि पहले हमने देखा कि जो वन फोर्थ था मतलब कि चार में से एक जो भाग था वो ही लैंड है, बाकी के जो तीन भाग है वो है पानी है और वो अलग अलग फॉर्म में होते हैं। फर्स्ट है रिवर्स, रिवर्स आर लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, रिवर क्या है वो पानी का बहुत ही लंबा झरना है।
द स्नो ऑन माउंटेन्स मेल्ट इन टू वाटर एंड फ्लोज डाउन इन द फॉर्म्स ऑफ रिवर. माउंटेन्स पे जो स्नो होते हैं वो मेल्ट होके वाटर बनते हैं और वो वहाँ से एज रिवर वो वहाँ से पास करते. दिस वाटर इज यूज फॉर मैनी पर्पजेज लाइक ड्रिंकिंग क्लीनिंग एट्सेट्रा. और ये जो पानी वो बहुत ही चीज़ों के लिए हमें काम आता है, जैसे कि पीने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए, फिर प्लांट ग्रो करना है तो उसके लिए, बाथिंग के लिए, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें पानी यूजफुल होता है. सीज एंड ओशंस. सीज आर लार्ज वाटर बॉडीज, बिग सीज आर कोल्ड ओशंस. सीज क्या है, वो बहुत ही, जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है उसे बोलते हैं सीज. और जो बहुत ही बड़े सीज होते हैं समुद्र, उसे बोलते हैं हम ओशंस. द वाटर ऑफ द सीज एंड ओशंस इज सॉल्टी एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग. और ये जो सीज और ओशन का जो पानी होता है वो बहुत ही सॉल्टी होता है, तो उसे हम पानी पीने के लिए यूज में नहीं ले सकते. टाइम टू आंसर. सर्कल द करेक्ट वर्ड. यहाँ पे आपको जो करेक्ट वर्ड है उसे सर्कल करना है. फर्स्ट, 1/4 और 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. अर्थ पे जो अर्थ सरफेस है वो उसमें से वाटर कितने भाग में है, तो 3/4. तो यहाँ पे आपको 3/4 में सर्कल करना है. सेकेंड, वाटर ऑफ रिवर और सी इज सॉल्टी. कौन सा पानी है जो सॉल्टी है और जो हमारे पीने के काम नहीं आता है, सी ऐसी है, तो वहाँ पे आपको सर्कल करना है. थर्ड, वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ओशंस और रिवर्स. हमें पीने का पानी कहाँ से मिलता है, वी कैन गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम रिवर्स. ओके, नेक्स्ट, हाउ टू सेव द अर्थ. हम अर्थ को कैसे बचा सकते हैं. अर्थ इज आर होम, इट गिव्स अस एयर वाटर एंड लैंड टू लिव, वी मस्ट कीप इट क्लीन. अब अर्थ है वो हमारा घर है, वो हमें रहने के लिए हवा, पानी और जमीन देता है, और हमें क्या करना चाहिए, उसे क्लीन रखना चाहिए. हमें ध्यान रखना है कि हमें अर्थ को गंदा नहीं करना है. ड्यू टू मैनी ऑफ आर एक्टिविटीज सच एज कटिंग ट्रीज, पुटिंग हार्मफुल थिंग्स इन एयर एंड वाटर, वी आर पॉल्यूटिंग द अर्थ एंड मेकिंग इट अनसेफ फॉर आर लिविंग. और हमारी कुछ एक्टिविटीज ऐसी है जैसे कि ट्रीज को कट करना है, फिर वाटर में या तो लैंड पे जो हार्मफुल फैक्ट्रीज के जो हार्मफुल थिंग्स है उसे छोड़ना है. इससे हम क्या करते हैं कि हमारी अर्थ को हम पॉल्यूट करते हैं और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है. वी कैन सेव द अर्थ बाय डूइंग समथिंग सच एज. हम अपनी अर्थ को बचा सकते हैं कैसे, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए उसको हम फॉलो करके अर्थ को सेव कर सकते हैं. वी शुड नॉट कट ट्री. हमें ट्रीज को कट नहीं करना है. वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है. कैसे कि जैसे कि मानो कि हम ब्रश कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते वी शुड नॉट किल एनिमल्स. हमें एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए. नेक्स्ट, वी शुड मेक द अर्थ ग्रीन एंड ब्यूटिफुल बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज. हमें क्या करना चाहिए कि अर्थ पे बहुत सारे ट्रीज और प्लांट ग्रो करने चाहिए. इससे क्या होगा कि हमारी जो अर्थ है वो ब्यूटिफुल होगी और ग्रीन भी होगी. वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है. माना कि आप लोग ब्रश करते, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बड़े भी ऐसे होते हैं कि ब्रश करते समय जो वाटर टैप है उसे ओपन रखते, तो वो हमें नहीं करना है. जितना पानी हमें चाहिए उतना ही यूज करना है. वी शुड सेव पेपर एंड इलेक्ट्रिसिटी. हमें पेपर और इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करना है. जैसे मानो कि हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं, हम अगर रूम में नहीं है तो हमें लाइट है वो स्विच ऑफ करनी है, फैन से वो स्विच ऑफ करने, और पेपर का भी हमें अननेसेसरी यूज नहीं करना है. ओके, नेक्स्ट, टाइम टू आंसर. कलर द एक्टिविटीज दैट हेल्प प्रोटेक्ट द अर्थ. अब यहाँ से आपको अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्टिविटीज यूजफुल होती है वहाँ पे आपको कलर करना है. देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, वो प्लांट ग्रो कर रहा है, तो वो अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है, तो वहाँ पे आपको कलर करना है. ये बच्चा क्या कर रहा है, वो पेपर वेस्ट कर रहा है, दिस इज नॉट गुड हैबिट, तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है. एंड यू कैन सी दिस बॉय कलेक्टिंग रेन वाटर, तो ये अच्छी बात है, तो उसे भी आपको कलर करना है. एंड लास्ट, दिस बॉय इज बर्निंग पेपर एंड दैट इज नॉट गुड वे. ओके, तो वहाँ पे कुछ नहीं करना, तो आपको ये फर्स्ट और थर्ड में कलर करना है. लेट्स प्रैक्टिस. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, द शेप ऑफ द अर्थ इज. अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, स्फेरिकल, तो यहाँ पे आपको ये वाला आंसर लिखना है फर्स्ट में. सेकेंड, ओशंस हैव ब्लैंक वाटर. ओशन का जो पानी होता है वो कैसा होता है,
सॉल्टी, तो ये लिखना है आपको। थर्ड, ब्लैंक हैव अ यू और वी शेप, ऐसा क्या है जो यू या तो फिर वी शेप में होता है? वेलिस, तो यहाँ पे ये आंसर लिखना है आपको। और फोर्थ, डेजर्ट्स आर ब्लैंक एंड ड्राई लैंड्स, डेजर्ट्स कैसा लैंड है? हॉर्ड, एच ओ टी, तो वो लिखना है आपको। ओके, बी, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, मॉडल ऑफ द अर्थ, तो अर्थ का जो मॉडल उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोब। सी, सेकेंड, वेरी हाई एरियाज ऑन द अर्थ, अर्थ के बहुत ही ऊंचे वाले एरियाज कौन से हैं? माउंटेन्स, तो ए। थर्ड, लार्ज एरिया ऑफ फ्लैटलैंड्स, फ्लैटलैंड्स का जो लार्ज बहुत ही बड़ा एरिया है वो है प्लेन्स, डी। फोर्थ, अ वेरी लार्ज वाटर बॉडी, बहुत ही बड़ा पानी की जो सबसे बड़ी एरिया, पानी का सबसे बड़ा एरिया है उसे हम बोलेंगे सी। ई लिखना है वहाँ पे। एंड फिफ्थ, लो लैंड बिटवीन माउंटेन्स, माउंटेन्स के बीच में जो लो लैंड होता है उसे हम बोलते हैं वैली, बी। ओके, नेक्स्ट सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ, हम अर्थ पे रहते हैं, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड, वन फोर्थ ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड, अर्थ का जो वन फोर्थ सरफेस है मतलब कि चौथे में से एक जो भाग है वो ही लैंड है, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट, वहाँ पे ट्रू लिखना है। थर्ड, नैनीताल इज नॉट अ हिल स्टेशन, एज यू नो नैनीताल इज अ हिल स्टेशन, तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, वहाँ पे आपको फॉल्स लिखना है। फोर्थ, प्लेन्स आर ड्राई लैंड्स कवर्ड विथ सैंड, दैट इज ऑल्सो फॉल्स। फिफ्थ, वी शुड नॉट कट ट्रीज, हमें ट्रीज कट नहीं करनी है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट आर लैंड फॉर्म्स, राइट एनी टू ऑफ देम, लैंड फॉर्म्स क्या है और उसमें से कोई भी दो लिखने आपको। आंसर, डिफरेंट नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंड फॉर्म, एंड फर्स्ट हिल्स और सेकेंड माउंटेन्स। सेकेंड, व्हाट आर प्लेन्स, प्लेन्स क्या है, मैदान क्या है? आंसर, द लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड्स आर कॉल्ड प्लेन्स, फ्लैट लैंड का जो लार्ज एरिया उसे हम बोलेंगे प्लेन्स। थर्ड, व्हाट आर प्लेटोज, आंसर, एन एरिया ऑफ हाई लेवल लैंड्स आर कॉल्ड प्लेटोज, हाई लेवल पे जो लैंड है मतलब बहुत ही ऊंचाई पे जो मतलब फ्लैट जमीन होती है उसे हम बोलते हैं प्लेटोज। फोर्थ, व्हाट आर वैली, आंसर, द लो लैंड एरिया दैट लाइज बिटवीन माउंटेन्स और हिल्स आर कॉल्ड वैलीज, जो माउंटेन्स और हिल्स के बीच में जो लोल एरिया होता है उसे हम बोलते हैं वैलीज। फिफ्थ, राइट एनी टू वेज टू सेव द अर्थ, अर्थ को सेव करने के लिए कोई भी दो वेज लिखने। आंसर, ए, फर्स्ट, वी शुड नॉट कट ट्रीज, हमें ट्रीज को कट नहीं करना है। सेकेंड, वी शुड नॉट किल एनिमल्स, एनिमल्स को किल नहीं करना है। थर्ड, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी वेस्ट नहीं करना है। और ऐसे भी आपको अगर कुछ लिखना है ज़्यादा वेस्ट कि किससे हम अर्थ को सेव कर सकते तो वो भी आप लिख सकते हो। ओके, इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट प्लेटोज, हिल्स, मतलब वाटर बॉडीज है, तो वाटर बॉडीज में है रिवर्स है, सीज है, ओशंस है, फिर लैंड फॉर्म्स है, तो लैंड फॉर्म्स है हिल्स है, वैलीज है, माउंटेन्स, पीक्स। ओके, दिस इज द लेसन फॉर यू, थैंक यू।